आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही होली। होलिका दहन के साथ मुल्क पर चढ़ा गुलाल का रंग। जाने माने लोगों ने पेश की मुबारकबाद। आज दो दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे वजीर दाखिला अमित शाह। सिक्योरिटी के हालात का लेंगे जायजा। जवानों के साथ मनाएंगे होली। कीव पर रूस के हमले तेज। एक साथ कई इलाकों पर निशाना। रॉकेट हमले में यूक्रेनी एक्ट्रेस ओक्साना श्वेज की मौत। अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन की तजवीज नामंजूर। रूस ने किया रद्द हिंदुस्तान की जंग रोकने की अपील। तजवीज रद्द होने पर अमेरिका का बयान, कहा रूस को इंसानी बहरान को लेकर होती फिक्र तो वो जंग रोक चुका होता। रूस यूक्रेन जंग का आज 23वां दिन। रूसी आर्मी के हमले में गैस स्टेशन तबाह। कीव पर कब्जे की तैयारी में पुतिन की फौज। चीन को रूस की मदद करने पर अमेरिका के इंतबाह के बाद आज दोनों ममालिक के बीच मुजाकरात। जो बाइडेन और शी जिनपिंग करेंगे दो तरफा बातचीत। यूएनएससी में हिंदुस्तान ने किया फिक्र का इजहार, कहा बातचीत से ही खत्म हो सकती कशीदगी। यूक्रेन की इंसानी मदद करता रहेगा हिंदुस्तान। जंग में शहरियों की मौत पर यूएन ने जाहिर की फिक्र, कहा मरने वालों की तादाद है काफी ज्यादा। ज़ेलेंस्की ने मुश्किल हालात में काम कर रहे मुलाजमीन को किया सरफराज। जंग के दौरान इमरजेंसी खदमात के लिए किया शुक्रिया। सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन के आवाम के नाम पैगाम, का रूस को नहीं करेंगे माफ। जंग में यूक्रेन की होगी जीत। कीव में ज़ेलेंस्की ने किया अस्पताल का दौरा। जंग में जख्मी लोगों से की मुलाकात। तस्वीरें आई सामने। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, जर्मनी से लगातार फौजी मदद का मुतालबा कर रहा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस को रोकने के लिए सिर्फ पाबंदियां लगाना काफी नहीं। अमेरिकी वजीर खाजा एंटनी ब्लिंकन का चीन पर निशाना, कहा अगर रूस की फौजी मदद करेगा चीन तो बाइडेन शी जिनपिंग को जवाबी कार्रवाई करने का देंगे इंतबाह। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के जंगी जुर्म वाले बयान की हिमायत। यूक्रेन में हुआ है जंगी जुर्म। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा बयान, अगर रूस ईरान के न्यूक्लियर डील को करता है ब्लॉक सिफारती ऑप्शन के लिए तैयार है अमेरिका। रूस यूक्रेन बातचीत पर एंटनी ब्लिंकन के बयान, जंग बंदी की कोशिश नहीं कर रहा है रूस। यूक्रेन की फौज के खिलाफ अलहदगी पसंदों की बड़ी कार्रवाई। लुहांस्क में रूस हिमायती इलाकों से खदेड़ा गया। कीव के मिलिट्री कमांडर का बड़ा बयान, बोले हम मजबूती से कर रहे हैं रूस का सामना। अहम मकाम पर मौजूद है हमारी फौज। कीव में रूसी फौज ने की गोलीबारी। गोलीबारी के चलते डिपो में लगी आग। राहत मुलाजमीन के मुताबिक एक की हुई मौत। रूस यूक्रेन जंग के सबब कीव में हालात बदतर। कीव की रिहायशी इमारत हुई तबाह। ड्रोन वीडियो आया सामने। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, रूस ने की यूएनएससी से इमरजेंसी मीटिंग का मुतालबा। यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब पर करना चाहता है चर्चा। पाकिस्तान में ओआईसी मीटिंग के लिए अलादगी पसंद मीरवाइज उमर फारूक को दावत। भारत ने लगाई फटकार, बताया मुल्क की सालमियत पर हमला। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी पर गहरा बुरान। अदम एतमाद की तजवीज से पहले ही 24 अराकीन पार्लियामेंट ने छोड़ी पार्टी।
होली को देखते हुए दोपहर तक बंद रहेंगी मेट्रो खिदमत। दिल्ली ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम मेट्रो दोपहर 2 बजे से होंगी चालू।